जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का स्मरण कैसे करें? ऐसे करो जैसे अफीमची अफीम न मिलने पर अफीम का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे मुकदमेबाज मुकदमे का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे जुआरी जुए का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे लोभी धन का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे कामी कामिनी का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे शिकारी शिकार का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे निशानेबाज निशाने का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे किसान पके खेत का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे प्यास से व्याकुल मनुष्य जल का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे भूख का सताया हुआ मनुष्य भोजन का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे घर भूला हुआ मनुष्य घर का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे बहुत थका हुआ मनुष्य विश्राम का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे भय से कातर मनुष्य शरण देने वाले का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे डूबता हुआ मनुष्य जीवन रक्षा का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे दम घुटने पर मनुष्य वायु का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे परीक्षार्थी परीक्षा के लिए विषय का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे ताजे पुत्र वियोग से पीड़िता माता पुत्र का स्मरण करती है। ऐसे करो जैसे नवीन विधवा अबला अपने मृत पति का स्मरण करती है। ऐसे करो जैसे घर में रहने वाली कुलटा स्त्री अपने जार का स्मरण करती है। ऐसे करो जैसे मातृपरायण शिशु माता का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे प्रेमी अपने प्रियतम प्रेमास्पद का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का स्मरण करती है। ऐसे करो जैसे अंधकार से अकुलाए हुए प्राणी प्रकाश का स्मरण करते हैं। ऐसे करो जैसे सर्दी से कांपते हुए मनुष्य अग्नि का स्मरण करते हैं। ऐसे करो जैसे चकवा चकवी सूर्य का स्मरण करते हैं। ऐसे करो जैसे चातक मेघ का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे जल से बिछड़ी हुई मछली जल का स्मरण करती है। ऐसे करो जैसे चकोर चंद्रमा का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे फलकामी पुरुष फल का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे मुमुक्षु पुरुष आत्मा का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे शुद्ध हृदय मुमुक्षु पुरुष भगवान का स्मरण करता है। ऐसे करो जैसे योगी पुरुष चेतन ज्योति का स्मरण करते हैं। ऐसे करो जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म का स्मरण करता है। शीघ्र चेतो जल्दी दौड़ो इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। वह गया दूसरा भी चला अरे तीसरे को भी लपेटों ने ले लिया। परंतु हाय तुम मूरख की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर पड़े हो। अरे अब की तुम्हारी बारी आती है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। वह देखो उस उछलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए उसका कृपालु कप्तान बारी बारी सीटी बजा बजा कर सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर जाएगा।
इसी तरह तुम भी तर जाओगे, अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। चेतो, शीघ्र चेतो, भगवान में लगो। प्रार्थना करो, हे दया सागर, हे दीन सर्वस्व, हे हमारे हृदय के परम धन, हम दीन अब कहाँ जाएं? तुम्हारे इन अभय चरणों के सिवा और कहीं भी तो ठोर नहीं है। बहुत भटके, बहुत धक्के खाए, बहुत देखा, पर कहीं ठोर ठिकाना नहीं लगा, कहीं टिक कर नहीं रह सके, कहीं भी शांति नहीं मिली। हे पतित पावन, अब तो तुम्हारे शरण आ पड़े हैं, शरणागत वत्सल, तुम्हारा विरद है। प्रभु, हमें अब और कुछ भी नहीं चाहिए, विद्या, बुद्धि, धन, मान, परिवार, पुत्र, पाताल, स्वर्ग, किसी की भी इच्छा नहीं है। हम योगी, ज्ञानी, तपस्वी और महात्मा नहीं बनना चाहते। तुम्हारा वैकुंठ, तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा परम धाम हमें नहीं चाहिए। हमें तो नाथ, दया कर, अपना वह प्रेम दो जिसमें अश्रुपूर्ण लोचन और गदगद कंठ होकर निरंतर तुम्हारा नाम गुणगान करते रहें। वह शक्ति दो जिससे जन्म जन्मांतर में कभी तुम्हारे चरण कमलों की विस्मृति एक क्षण के लिए भी स्वप्न में भी न हो। तुम्हारा नाम लेते हुए आनंद में मरें और तुम्हारी इच्छा से जहाँ जिस योनि में जन्मे तुम्हारी ही छत्र छाया में रहें। चित्त की वृत्तियाँ सदा बिना ही कारण तुम्हारी तरफ दौड़ती रहें और यह मस्तक तुम्हारे दासानुदासों की पद्म पराग से सदा ही अभिषिक्त रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।